मैं हूं आलम रिजवी और आप देख रहे हैं अवधनामा न्यूज। अवधनामा न्यूज में पेश है आज की मुख्य खबरें। मुख्तार अंसारी को रूपनगर जेल से लेकर रवाना हुई यूपी पुलिस, हरियाणा में दाखिल हुआ काफिला। मुंबई सीआरपीएफ मुख्यालय में आई ईमेल से हड़कंप, गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की जान को खतरा, मल्टीपल बम ब्लास्ट की धमकी। अब भी अनिल देशमुख के बचाव में उद्धव सरकार, सीबीआई जांच के हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। दिल्ली में आज से लगाया गया नाइट कर्फ्यू, रात 10 से लेकर सुबह 5 बजे तक लोगों को घर से निकलने पर होगी मनाही। दिल्ली, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में स्कूल कॉलेज हुए बंद। बिहार में विस्फोटक हुआ कोरोना, आज सीएम नीतीश ले सकते हैं बड़ा फैसला। ममता पर पीएम का तंज, का 10 साल तक तोलाबाज बंगाल लूटते रहे, आदरणीय दीदी आप देखती रहीं। ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, केंद्रीय सुरक्षा बल डरा धमका कर भाजपा के लिए वोट करने को कह रहे, चुनाव आयोग ने मूंदी आंखें। बंगाल में मतदान के बीच हिंसा, भाजपा कार्यकर्ता की पत्नी की हत्या, तृणमूल पर लगा आरोप। हापुड़ में महापंचायत को संबोधित करने बैलगाड़ी से पहुंचे राकेश टिकैत। नासा के सैटेलाइट चित्रों ने बताया उत्तराखंड के जंगलों में 22 दिन में 1187 बार लगी आग। पंजाब में 7 वर्षीय बच्ची के साथ दरिंदगी, डॉक्टरों को निकालनी पड़ी बच्चेदानी। राजस्थान के उदयपुर के निजी स्कूल में छात्र की नग्न कर पिटाई, 2 शिक्षक गिरफ्तार। अमेरिकी कोर्ट ने तहाफुर राना के भारत प्रत्यर्पण की सुनवाई 24 जून तक टाली। म्यांमार में अफसाने सरकार के निशाने पर कलाकार, विरोध प्रदर्शन का समर्थन करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एक बार फिर राष्ट्रपति की रेस में शामिल होंगे पुतिन, कानून पर किया हस्ताक्षर। रूस से ट्विटर को राहत, फिलहाल नहीं होगा ब्लॉक, लेकिन अगले महीने तक स्पीड रहेगी कम। मुंबई इंडियंस के एक कोचिंग टीम में शामिल पूर्व विकेट कीपर किरण मोरे कोरोना पॉजिटिव। वानखेड़े स्टेडियम में कोरोना का कहर जारी, 3 सदस्य और निकले कोविड-19 पॉजिटिव। साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे दौरे से बाहर हुए पाकिस्तानी स्पिनर शादाब, दूसरे वनडे में लगी थी चोट। गुजरात के पूर्व डीजीपी खंडवा वाला होंगे बीसीसीआई के एंटी करप्शन यूनिट के नए प्रमुख। अभिषेक बच्चन की द बिग बुल समेत इस हफ्ते आएंगी कई फिल्में और वेब सीरीज। दिया मिर्जा के पति ने एक्स वाइफ के साथ मनाया बेटी समायरा का बर्थडे। पार्थ संतान की वेब सीरीज में मैं हीरो बोल रहा हूँ का ट्रेलर रिलीज, फुल एक्शन और डायलॉग बाजी करते दिखे एक्टर। सोनू सूद ने उनके नाम से ठगी करने वालों को दी चेतावनी, कहा जल्द बंद कर दें जालसाजी वरना जाना पड़ेगा जेल। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना।